देसी है, मैंने आपको पहले बोला इसको बुरा लगेगा। अच्छा, शुगर कोट करके करके बात करना उनको आता नहीं। गौतम भाई जो है, गौतम भाई थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, मैंने ऐसा गंदा गेम खेला ही नहीं है रोडीज में। रोडीज में मैं जेन्युइन था, बेफजूल की लड़ाई नहीं लड़ता था। राजवीर, हमने देखा आपकी रोडीज की जो जर्नी थी वो काफी अप डाउन थी, तो आप क्या बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं गेम में बहुत ही ज्यादा रियल था, कोई बेफजूल की लड़ाई नहीं करता था मैं बिल्कुल भी। जैसा मैं हूँ, आई जस्ट प्लेड सो वेल, मैं बहुत खुश हूँ। बट और हाँ, मेरा कैरेक्टर ऐसा था जो जॉली किस्म का था, सबके साथ बनाने की कोशिश करता था, सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, किसी के साथ कोई भी गिला शिकवा नहीं था, किसी का मलाल लेके नहीं आया हूँ मैं कभी भी, सब मुझे प्यार करते हैं, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी। वो बात अलग थी कि वोट आउट कर दिया, क्योंकि मैं रिया मैम के गैंग में जाने के बाद बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे चला गया था, जिसके कारण आई थिंक मैं टारगेट हो गया, वो बात अलग है। बट कभी भी आप गेम से पहले जो लोग भी वोट आउट हुए हैं या जितने सारे कंटेंडर्स हैं उनके साथ अगर बात करेंगे तो कोई भी मेरे बारे में खराब नहीं बोलेगा। आप कॉन्ट्रोवर्शियल जितने सारे सबके बीच में जैसे रील डाल रहे हैं लोग, जितने सारे कंटेस्टेंट हैं वो एक दूसरे के बारे में जो लाइफ में जाके गलत बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी मेरे बारे में गलत बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा गंदा गेम खेला ही नहीं है रोडीज में। रोडीज में मैं जेन्युइन था, बेफजूल की लड़ाई नहीं लड़ता था, सिंपल सॉर्टेड। जो बंदा चुप रहता है, टास्क में बिलीव करता है, टास्क करके इम्यूनिटी कमाता है, इसीलिए आई थिंक लोग मुझे अंडररेटेड बोलते हैं। टीम लीडर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गैंग लीडर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा, वैसे मेरे गैंग लीडर जो पहले थे गैंग स्वैपिंग के पहले, गौतम गैंग, गौतम भाई, गौतम गुलाटी जी, वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड थे, और वो मुझे हर टास्क के पहले दिन से मुझे सपोर्ट करते थे। और रिया मैम से कुछ ज्यादा खास इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बस एक ही दिन हुआ था रिया गैंग में गए हुए, और उसके बाद मैं वोट आउट हो गया, तो उनको जाने का ठीक से मौका नहीं मिला। बाकी प्रिंस भाई जो इंसान है, प्रिंस भाई बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देसी लोग जैसे होते हैं, वो एकदम देसी हैं, ठीक है। वो किसी के बारे में, किसी को बोलने से पहले सोचते नहीं है कि भाई मैं ये चीज उसको बताऊंगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और ये बताऊंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचते। उनका जो दिल में है वो दिमाग में है, वो मुंह पे है, वो जो दिल में वो जो सोचते हैं बोल देते हैं, मुंह फटे हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, उनको नहीं पता। ऑपोजिट साइड गौतम भाई जो है, गौतम भाई थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा क्लासी, वो कुछ वो बोलते हैं ना कि बी अ गुड लिसनर टू बी अ स्पीकर, तो वो पहले सुनते हैं फिर उसके बाद वो 10 बात नहीं बोलते हैं, एक ही बात कहते हैं और वो इम्पैक्टफुल कहते हैं। कहीं ना कहीं जब आप रिया की टीम में गए तो कहीं ना कहीं वो रिया अनहैप्पी भी दिखी है, ऐसा लग रहा था कि वो आप जब आप उनकी टीम में गए वो खुश नहीं थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गैंग स्वैपिंग के 4-5 दिन पहले मुझे चोट लगी थी, नी इंजरी हो गई थी, वो पत्ते वाले जो टास्क था उसके बीच में मुझे चोट लगी थी, वो तो चोट अभी तक है, मैं सच में बोल रहा हूँ, अभी भी मैंने आई हैव पुट ऑन 10 किलोस ऑफ वेट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू वर्कआउट प्रॉपरली, अभी भी नी पे इंजरी है। मे भी शायद रिया मैम को पता चल गया था कि यार राजवीर को लेने के बाद ये तो टास्क नहीं कर पाएगा, इसके नी पे चोट लगी हुई है और मेरी गैंग वीक हो सकती है, मे भी इसीलिए वो खुश नहीं थी, और ऋषभ भी ज्यादा खुश नहीं था। बट इतना ज्यादा खुश ना होना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी टास्क मैंने किया है, आपने आई थिंक अगर अगर आपने गेम देखा होगा, आपने देखा है मेरे एक भी टास्क में मैंने गंदा परफॉर्म नहीं किया, हर टास्क में मैंने अपना 100% दिया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। आप वो फर्स्ट से लेके जैसे गोबर वाला टास्क में भी आप देख लो, बाकी एंटरटेनमेंट वाला टास्क में भी देख लो, लोग नॉर्मली वर्कआउट कर रहे थे, मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा स्टेज खाली है, मैं थोड़ा बंदूक लेके क्रॉलिंग कर लेता हूँ ताकि थोड़ा स्टेज में गैप ना दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, एक स्टोरी डाल सकूँ मैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत, वो गौतम भाई को पता है, गौतम भाई इसीलिए मुझे सपोर्ट करते थे, उन्होंने मुझे इम्यूनिटी भी दी है और मैंने इम्यूनिटी कमाई भी है, मे भी शायद गौतम भाई को ये चीज नोटिस की थी उन्होंने मेरी मेरे अंदर, मे भी शायद इसीलिए वो मुझे सपोर्ट करते थे। बट रिया मैम के गैंग में जाने से पहले मुझे चोट लग गई थी, जिसके कारण आई थिंक वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उन्होंने वोट आउट से पहले मुझे इम्यूनिटी भी नहीं दी, जिसके लिए मैं हिट लिस्ट पे आ गया और मुझे निकाल दिया गया। सोनू सूद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निष्फल काम की वजह से आज वो यहाँ पे हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, उन्होंने वो कमाई है, उन्होंने अर्न किया है, उनके नक्श कदम पे मुझे चलना है। सबसे ज्यादा किससे मिस करेंगे आप? मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा रूबीज जर्नी को, किसी
एक इंसान को मैं मिस नहीं करूंगा क्योंकि सबके साथ मेरी अच्छी थी, बट मैं ना रोडीज की जो लाइफस्टाइल है सुबह से लेकर रात तक की जो लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे पास ना फोन नहीं होते ना घड़ी होती, हमें पता नहीं होता आज कौन सा दिन है, टाइम के जाके हमारे जो प्रोडक्शन में से थे वो हमें उठा देते थे, उठने के बाद हम टाइम टू टाइम खाना खाने जाते थे, वो जो लाइफस्टाइल थी सुबह से उठने के बाद खाना, खाना खाने के बाद टास्क, टास्क के आने के बाद दोनों जो इक्वेशन है एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करना, जिसके अगर टास्क के बीच में अगर किसी के साथ लड़ाई हुई है वो क्लियर करना, थोड़ा झगड़ना, ये सब चीजें करके फिर शाम को वोट आउट, वोट आउट के बाद किसी को अलविदा कर देना, वो इमोशनल मोमेंट, ये ना हमारी एक लाइफस्टाइल बन चुकी थी मेरे। बीच में गौतम गुलाटी और प्रिंस के बीच में काफी कुछ चीजें खराब हुई थी, दोनों के बीच में वॉर भी देखा गया, तो इस बारे में आप क्या कहना, और आपको क्या लगता है कौन सही था और कौन गलत था? सही गलत जज करने के लिए मैं कौन होता हूँ, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। दोनों अलग टाइप के इंसान हैं। गौतम भाई जो है वो काम, कंपोज्ड, कम बात करके जो भी बात करेंगे वो इम्पैक्टफुल रखने की, नहीं नहीं जो वो जो भी बात करते हैं इम्पैक्टफुल करते हैं, दो बात कम बोलेंगे, ज्यादा नहीं बात करते। कुछ लोग आजकल हम आस पड़ोस में जब देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने काम से ज्यादा बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं इनसे। रोडीज में भी कंटेस्टेंट ऐसे बहुत कुछ हैं जो बोलते बहुत हैं, बोलने की वजह से दिख रहे हैं बट टास्क में कुछ नहीं, टास्क में हके जा रहे हैं। तो गौतम भाई ऐसे नहीं है, गौतम भाई बोलने वालों में से नहीं है, वो करने वाला, कम बात करते हैं, काम कंपोज, जब जरूरत पड़ती है तभी बात करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस भाई जो है, प्रिंस भाई देसी है, मैंने आपको पहले ही बोला वो देसी है, वो कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले वो सोचते नहीं है किसको बुरा लगेगा, अच्छा शुगर कोट करके करके बात करना उनको आता नहीं, वो जो फैक्ट है फैक्ट पे बेस करके वो बात करते हैं, चाहे आगे वाले इंसान को बुरा लगे या अच्छा। उस दिन क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में क्योंकि प्रिंस भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था गौतम भाई को, और गौतम भाई को वो चीज बुरी लगी। हो जाती है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपके साथ मेरी आज लड़ाई होती है, हो सकता है कि आप इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करना चाहो, बट मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मुझे उस चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मुझे हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाए। इसी के बारे में दोनों के बीच में ऐसे प्रिंस सर बोल रहे थे कि यार इससे पहले रूडीज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई को बाहर ले जाया गया। ठीक है, गौतम भाई का परसेप्शन ऐसा है कि गौतम भाई को चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, वो लड़ाई बाहर लेकर गए, लोगों के साथ डिस्कस करने लग पड़े, उनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 लग गए, और प्रिंस भाई दूसरी जगह पे अलग इंसान है, उनको लगता है कि अगर यहाँ पे लड़ाई हुई है तो लड़ाई यही पे ये भी खत्म करो, बाहर जाने के बाद हाय हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम तो सब शॉक्ड हो गए थे क्या हो रहा है रूडीज हिस्ट्री पे, इंडियो रूडीज कर्म या कांड में ऐसा क्या हो रहा है, मतलब हम शॉक्ड हो गए थे कि सच में लड़ाई हो रही है या एक दूसरे को सरकास्टिकली बोल रहे हैं, पहले सरकास्टिकली था फिर अचानक से एक दूसरे के ब्लेजर निकालने लग पड़े, मैंने सोचा भाई ये तो भाई अभी होने वाला है सीरियस सा कुछ। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसके साथ बनी है शो में? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी है आशिका के साथ, और हाँ आशिका को मैं सब आशिका नायरा नैजम जो सबसे पहले ही वोट आउट हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले नायरा, आशिका, नैजम, वाशु, सचिन के साथ भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी बट मेरे चोट लगने के बाद उन्होंने मेरे पास आए भी नहीं बिल्कुल भी। ये गेम आपको ना बहुत सेल्फिश बना देता है, आई एम टेलिंग यू, सचिन भाई ऐसे नहीं है, आपको ये लड़ाई क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कि आज मैं टास्क जीत जाऊं और मेरे अंदर मेरे पास एक पावर आ जाए कि मैं किसी को भी नॉमिनेट कर सकता हूं, तो अगर आपका मेरे साथ लड़ाई है तो मैं आपको निकाल दूंगा, इसीलिए अगर दोपहर को आपको मेरे साथ लड़ाई हुई है आपकी मेरे साथ तो शाम तक वो ठीक करनी है, तो इसीलिए आई थिंक सचिन भाई और बाकी सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्ड है। मैं नहीं बोलूंगा कि किसी को हेट करता हूं मैं या मैं इसको देखना नहीं चाहूंगा, मैं सबसे मिलना चाहूंगा, मैं तो प्लानिंग यही कर रहा हूँ कि सब गेम से बाहर आए, कोई एक जीत जाए, फिर एक बार गेट टुगेदर करते हैं सब मिलके धमाल मचा गए। प्रेम तो क्या लगता है कौन बनेगा रोडीज का विनर? भाई को जीतना चाहिए, कौन जीतेगा कौन स्ट्रांग है वो तो पता नहीं है, मुझे लगता है प्रेम भाई को जीतना चाहिए। तो प्रेम भाई एक ऐसे इंसान है जो मजाकिया है, आई थिंक ऐसा अगर कोई रूडी बनता है ना तो दुनिया में हम थोड़ा खुशी बांट सकते हैं, आई थिंक वो सबको उनको लोग फॉलो करेंगे और उनको देखे कम से कम लोग थोड़ा सा हंसेंगे, जैसे हम थोड़ा बहुत अगर आजकल की लाइफ में अगर हम थोड़ा सा भी हंस दे ना तो हमारा दिल में थोड़ी सी ठंडक पड़ती है, ट्रॉफी जीते जो बहुत खुश रहता है, जोक्स क्रैक करता है, लोगों को हंसाता है, तो आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हो सकता है।
आई थिंक मैं चाहता हूँ कि प्रेम भाई जीते। लास्टली जितने भी रोडीज के फैंस हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रूडीज के जो मेरे फैन है, मैं या उसे कहना चाहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, जस्ट बी योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, ईट जस्ट सेम, ईट हेल्दी, वर्कआउट हेल्दी, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच राजवीर, आई होप जल्द से जल्द आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आए और हम आपका वापस से इंटरव्यू थैंक लें। यू सो मच, जरूर जरूर। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।